असल जी बड़ी एक अफसोसनाक खबर है डॉक्टर आमिर आमिलत हुसैन साहब इंतकाल कर गए अन्य और बताया ये जा रहा है कि उनके कमरे में बहुत ज़्यादा धुआं था और वो जब धुआं बढ़ता गया तो वो कमरे से निकलता हुआ घर और घर की छत से जब बाहर की तरफ निकला तो मोहल्लेदारों ने शोर मचाना शुरू किया जिसकी वजह से जो उनके मुलाजिम हैं उन्होंने उनका दरवाज़ा जो है उसको नॉक किया उसके बाद अंदर दाखिल हुए तो वो मुर्दा हालत में मौजूद थे और धुआं जो था वो कंटिन्यू उसने रहा था मुलाजिम ने यह भी बताया है कि निजी टीवी चैनल को कि ये नहीं पता कि उनकी मौत रात की हुई हुई थी दो घंटे पहले हुई थी चार घंटे पहले हुई थी या किस वजह से हुई थी इसका फैसला तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया जाएगा और आज कौमी असम्बली का अजलास भी था जिसमें डॉक्टर आमिर लियात हुसैन साहब की जब मौत का पता चला तो उस इजलास को भी मुलतवी कर दिया गया अगर मैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के बारे में बताऊँ तो उनकी जब तीन शादियाँ हुई थी तीसरी शादी जो उनकी दानिया शादी हुई थी उसके बाद उनका खुला हुआ तो कुछ मुबैना तौर पर नशावर चीज़ें जो वो इस्तेमाल किया करते थे आ, वो भी कुछ ख़बरों की जीनत बनी थी कुछ चीज़ें और इसके साथ साथ डॉक्टर आमिलत हुसैन साहब जियो की रमज़ान ट्रांसमिशन भी किया करते थे एक्सप्रेस न्यूज़ पर भी रमज़ान ट्रांसमिशन करते रहे और एक मीडिया का बड़ा नाम था जियो और एक्सप्रेस के वो प्रेसिडेंट भी रहे आ, लेकिन कुछ उनकी आ, माजी करीब में आ, जो शादियों के इशूज़ चले और उसके बाद कुछ लोग कह रहे थे आ, कुछ इस तरह की ऑडियो भी लीक्स हुई थी जिसमें कहा गया कि शायद वो बहुत ज़्यादा कोई नशा लेते हैं और वो डिप्रेशन का शिकार है और आज से तकरीबन एक माह पहले भी जब वो तीसरी शादी उनकी दानिया शाह से हुई थी तो उससे पहले उनको तश्वीशनाक हालत में हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था तो वो गाहे बाहे हॉस्पिटल भी आते जाते रहे लेकिन आज ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि उनका इंतकाल हो गया अल्लाह तला उनकी मफसरत करे और जबकि जो उनकी पहली बीवी हैं बुशरा दूसरी बीवी जो जिनको तलाक दे दी तोबा तीसरी बीवी दानिया शाह उनसे रिलेटेड उन्होंने पैगाम भी दिए थे कि वो बहुत जल्द मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और कभी भी वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे तो अब उन्होंने पाकिस्तान तो नहीं छोड़ा उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ दिया और यह इंतहाई अफसोसनाकर आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इसकी तस्दीक हो चुकी है कि आमिल आकत